हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द जैन किचन। जैन किचन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे काढ़ा, जो कि कफ में, खांसी में, जुकाम में फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, गैस हमने ऑन कर दी है। अब हम इसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे और पानी में एक बॉईल आने तक गरम करेंगे। दालचीनी, बड़ी इलायची, एक पिंच अदरक का टुकड़ा, 8-10 तुलसी के पत्ते और एक तेजपत्र हमने लिया है। अब हम इन सबको कूट लेंगे। पानी में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें तेजपत्र ऐड कर देंगे। एक चौथाई चम्मच हमने यहाँ अजवाइन ऐड की है। एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर। एक चौथाई चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। जो मिश्रण हमने कूट के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें एक लौंग ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। अगर आप इसमें गुड़ ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इस तरह इसको अच्छे से बॉईल करेंगे जब तक पानी आधा नहीं रह जाता। काढ़ा बनके तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर दिया। अब हम इसको एक गिलास में निकाल लेंगे। देखिए, हमने एक गिलास पानी लिया था, काढ़ा बनने के बाद ये आधा गिलास रह गया। हमें इतना ही उबालना है, नहीं तो काढ़ा हमें फायदा नहीं करेगा। इस तरह काढ़ा बना के पीजिए और बीमारियों से दूर रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब